इंडियन रोड्स वाकई अनप्रेडिक्टेबल हैं, इसलिए इवन हाईवेज पर हमें कंट्रोल स्पीड पर चलना जरूरी है। एक डैश कैम बहुत ही जरूरी एक्सेसरी है आज के डेट में, जो दिखाता है कि एक्सीडेंट में गलती किसकी रही। और आज जिन पर्सन ने ये वीडियो शेयर किया है वो खुद सबसे जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ सही किया या गलत और यहाँ गलती किसकी थी। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा ये बताने के लिए कि आपके हिसाब से यहाँ गलत कौन रहा। ये डैश कैम फुटेज मिस्टर प्रवीण ने हमारे ईमेल पर शेयर किया था। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। मिस्टर प्रवीण ने बताया कि वो और उनके दो दोस्त मैसूर से बेंगलुरु की तरफ ट्रैवल कर रहे थे और गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी स्पीड यहाँ कितनी रही उन्हें पता नहीं, पर एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट से वो अंदर चल रहे थे और करीब 80 से 100 किलोमीटर पर आवर पर यहाँ शायद ड्राइव कर रहे थे। मिस्टर प्रवीण का कहना था कि अचानक से उनके सामने बैरिकेड आ गया और उन्होंने सोचा कि सडन लेफ्ट टर्न काटने की वजह से मेजर एक्सीडेंट हो सकता है और इसीलिए अगर सीधे चलाते हुए बैरिकेड में भी गाड़ी जाकर लड़ी तो लड़ने दो। पर लकीली बैरिकेड से कुछ पहले ही गाड़ी रुक गई। रुकते ही सबसे पहले उन्होंने गाड़ी के हजार्ड लैंप ऑन किए ताकि पीछे से कोई और कार उन्हें आकर टक्कर ना मार दे। उनका कहना था कि उनके सामने चल रही हो कम से कम कोई इंडिकेटर या हजार्ड लैंप चलाना चाहिए था ताकि वो पहले से सचेत हो सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन कई बार सड़क पर सामने आती है और मैक्सिमम केसेस में एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि लोग अटेंटिव नहीं रहते हैं या फिर काफी हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहे होते हैं। तो इस केस में गलती किसकी रही थी, रोड कंस्ट्रक्शन वालों की या मिस्टर प्रवीण की, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी हाई स्पीड पर लेन अचानक से चेंज ना करने का डिसीजन मिस्टर प्रवीण का सही था, ये मेरा मानना है। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।